हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो। तो गाइस, आज मैं इस ड्राइंग में क्लॉथ ड्रॉ करूँगा और जो ड्राइंग है वो कंप्लीट हो जाएगा। मैं लेट ज़रूर हूँ बट कोई बात नहीं, आज हम क्लॉथ को ड्रॉ करेंगे। तो ये बार मैं सबसे पहले जो मैंने ग्रिड लाइन ड्रॉ की थी उसकी हेल्प से एक आउटलाइन ड्रॉ किया जिस तरह का फोल्ड हमें नज़र आ रहा था। उसके बाद मैंने हल्का फुल्का ग्रिड लाइन को इरेज कर दिया क्योंकि वो हमें ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद हम यहाँ पर एजी पेंसिल लेंगे और पहले मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगा जहाँ पर मैं मुझे जिस तरह का लाइन दिख रहा है मैं उस तरीके पहले एक लाइन ड्रॉ करूँगा। और उसके बाद जहाँ पर हमें बिल्कुल लाइट वाला पार्ट है वहाँ पर मैं हल्का सा एक शेड दे दूँगा जिस तरीके हमें रेफरेंस में नज़र आ रहा है। और उसके बाद मैं ब्रश की हेल्प से कॉटन ब्रश की हेल्प से मैं इसको ब्लेंड कर दूंगा और फिर मैं नीचे वाला पार्ट में आऊँगा। तो ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा फोल्ड है, अब इसको ड्रॉ करना थोड़ा सा मुश्किल है। वैसे ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है अगर आप ध्यान से ड्रॉ करते हो और टाइम दे के ड्रॉ करते हो तो आपके लिए ये काम ईजी होता है। तो यहाँ पर जहाँ पर बिल्कुल डार्क वाला पार्ट है वहाँ पर अच्छे से डार्क करना पड़ेगा, जहाँ पर हाईलाइट है वो हमें अच्छे से देना पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर रेफरेंस को आप अच्छे से ऑब्जर्व करो और टाइम आपको बहुत ज़्यादा देना पड़ेगी। मुझे इस ड्राइंग में जो क्लॉथ है इसको ड्रॉ करने में मुझे 3 से 4 घंटे लग गया। तो आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा आपको टाइम देना पड़ेगा अगर आपको ये बिल्कुल रियलिस्टिक ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर मैं जिस तरह का फोल्ड है तो फोल्ड के अकॉर्डिंग मैं पहले बेस लेयर दे दिया और मैंने यहाँ पर बेस लेयर के लिए ग्रेफाइट पाउडर यूज़ किया क्योंकि फोल्ड है तो हमें ज़्यादा स्मूथ नहीं चाहिए, मतलब कि स्मूथ चाहिए। अगर थोड़ा बहुत पैचेस आता तो वो हम पेंसिल से ठीक कर सकते। और उसके बाद मैं यूज़ कर रहा हूँ थोड़ा सा डार्क पेंसिल और जहाँ पर बिल्कुल डार्क है वहाँ पर मैंने डार्क किया। और हाँ, प्रेशर बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना है, हल्का सा अप्लाई कर सकते हो क्योंकि हमें हाईलाइट देना होगा। तो अगर हम प्रेशर का अप्लाई कर देंगे तो वो हाईलाइट हम अच्छे से नहीं दे पाएंगे। तो प्रेशर आपको ज़्यादा नहीं लगाना है, हल्का फुल्का आप लगा सकते हो बट ज़्यादा प्रेशर आपको बिल्कुल भी नहीं लगाना है। और उसके बाद यहाँ पर मैं जो लाइट पेंसिल्स है उससे भी मैं यहाँ पर जो लाइट वाला पार्ट है वो ड्रॉ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप अच्छे से ध्यान से देख सकते हो किस तरीके से मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। तो गाइस, जो पूरे क्लॉथ है उसमें बहुत ज़्यादा डिटेलिंग है, उसके लिए आप पूरे क्लॉथ को एक साथ मत देखो। आप पूरे जो क्लॉथ है उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लो, फिर एक छोटे पार्ट को आप अच्छे से डिटेलिंग के साथ कंप्लीट करो, फिर दूसरे पार्ट पे आओ। तो इस तरीके से ड्रॉ करने पे आप हर एक छोटे पार्ट पे बहुत ज़्यादा टाइम दे पाते हो और रियलिस्टिक ड्रॉ कर पाते हो और आपके लिए इस तरीके से ड्रॉ करना बहुत सिंपल भी होता है। तो आप देखो किस तरीके से मैं ड्रॉ करता हूँ, आप भी इस तरीके से ट्राई कर सकते हैं, आपसे भी काफ़ी रियलिस्टिक ड्रॉ हो पाएगा। तो गाइस, सेम प्रोसेस से दूसरे साइड में भी ड्रॉ करना है। तो इसको मैं ध्यान से और जल्दी से ड्रॉ कर लेता हूँ। वैसे मैंने इसमें भी टाइम दिया, जल्दी से आप लोगों को दिखा देता हूँ वीडियो में।
तो गाइस फाइनली ड्राइंग कंप्लीट हो चुका है और फाइनल ड्राइंग कुछ इस तरह का लग रहा है। और आई होप आपको ड्राइंग पसंद आया होगा, और आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। आप मेरे चैनल पर नए हो और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।